फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। प्रेगनेंसी के बाद आपको कब यात्रा करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, इस बात पर आपको खास तौर पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसकी पूरी बॉडी काफी हद तक टूट जाती है और कमजोर हो जाती है, और इसी वजह से उसे अपनी बॉडी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होती है, ताकि उसकी बॉडी वापस से ठीक हो सके और वो वापस से बाहर आ जा सके, लोगों के साथ मिल सके, और अगर वो वर्किंग वूमन है तो अपने ऑफिस के काम को भी स्टेबल कर सके। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में बात आती है यात्रा की, यानी कि ट्रैवलिंग करने की। कई महिलाओं को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती है कि उन्हें प्रेगनेंसी में बच्चा जन्म देने के बाद किस टाइम पर या फिर कितने दिनों बाद उन्हें ट्रैवलिंग करनी चाहिए। आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो 6 महीने तक के लिए उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में वो काफी हद तक स्टेबल हो जाती है और उसके बाद ही उसे कोई यात्रा करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 महीने के तुरंत बाद यदि आप यात्रा करने के बारे में सोच रही हैं तो ये काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या हम 6 महीने के बाद भी यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी की बॉडी 2 महीने में ही कंस्ट्रक्टेड हो जाती है तो किसी की बॉडी को स्टेबल होने में 8 महीने से लेकर 10 महीने का समय भी लग जाता है। इसीलिए अपनी डिलीवरी के हिसाब से अपने डॉक्टर से परामर्श लें और अपनी तबीयत की बात मानते हुए ही यात्रा करने के बारे में सोचें। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।